पेज नंबर 25 यू विल मेंशन डेट CW एंड ए यूनिट 4 लेसन 5 द टॉपिक ऑफ लेसन 5 इज राइटिंग एक्सरसाइज 1 रीड एंड अंडरलाइन द सिलेबल्स इन ईच लाइन दैट हैव द सेम वाउल साउंड द फर्स्ट लाइन इज डन फॉर यू सिलेबल्स मीन्स पार्ट ऑफ वर्ड वाउल ए आई ओ यू आर वाउल्स हेयर वी हैव अ पोइम हम इस पोइम की रीडिंग करेंगे इस पोइम में जो सिलेबल्स हैं जिनमें सेम वाउल साउंड आ रही है उनको आप अंडरलाइन करेंगे लाइक दिस यहाँ पर फर्स्ट लाइन देखें द नर्स वॉज रीडिंग वर्सेज एंड फीलिंग वर्स एंड वर्स नर्स वर वर्स वर्स इनमें यू ई ओ की वाउल्स की सेम साउंड आ रही है आर के साथ ज्वाइन करके आर इन सब में यू ई और ओ की वाउल्स की सेम साउंड आ रही है ये सिलेबल्स हैं इनको इसलिए अंडरलाइन किया गया है द नर्स वाज रीडिंग वर्सेस वर्सेस मींस लाइंस ऑफ पोइम नर्स वर्सेस पढ़ रही थी एंड फीलिंग वर्स एंड वर्स और बुरे से बुरा महसूस कर रही थी आई ड्रू अ ब्लू मून व्हाइल इट ग्रू एंड ग्रू शी सैंग मैंने एक ब्लू मून बनाया जबकि ये बढ़ता जा रहा था शी सैंग उसने गाया ड्रू ब्लू मून ग्रू ग्रू इनको अंडरलाइन करेंगे ये सिलेबल्स हैं इनमें ई की सेम साउंड आ रही है चिल्ड्रन आर पिकिंग फ्लावर्स बाय द टावर फॉर आवर्स एंड आवर्स फ्लावर और टावर ये सिलेबल्स हैं इनको अंडरलाइन करेंगे आवर्स और आवर्स इनको भी अंडरलाइन करेंगे ये सिलेबल्स हैं इन सब में ओ की सेम साउंड आ रही है चिल्ड्रन आर पिकिंग फ्लावर्स बाय द टावर फॉर आवर्स एंड आवर्स बच्चे कई घंटों तक टावर के पास फूल चुनते रहे थे I feel my knees hurt when I kneel. One said, When's our next meal? I feel my knees hurt. मैंने अपने घुटनों में तकलीफ महसूस की When I kneel, जब मैं झुका One said, एक ने कहा When's our next meal? हमारा अगला खाना कब होगा Feel, knees, kneel, meal. इनमें ई की सेम साउंड आ रही है ये सिलेबल्स हैं इनको अंडरलाइन करेंगे आप Woman rang the bell in the well as the fisherman tried to sell fish. औरतें कुएं में घंटी बजा रही थीं जब फिशरमैन फिश बेचने की कोशिश कर रहा था बेल वेल ये सिलेबल्स हैं इनको अंडरलाइन करेंगे इनमें ई की सेम साउंड है फिशर और फिश ये सिलेबल्स हैं इनको आप अंडरलाइन करेंगे यस्टरडे आई रेड माई बुक इन बेड इन माई रेड नाइट शर्ट वन सेड कल मैंने अपने बेड में बुक पढ़ी अपनी रेड नाइट शर्ट में एक ने कहा Yes, red, bed, red, said. ये सिलेबल्स हैं इनको अंडरलाइन करेंगे इनमें देखें ई की और ए की सेम साउंड आ रही है Could you look for my coat, the one with the hood? क्या तुम मेरा कोट तलाश कर रहे थे जिसके साथ हुड है Look, hood. इनमें ओ की सेम साउंड आ रही है Could, look, hood. ये सिलेबल्स हैं इनको अंडरलाइन करेंगे look और hood को She stood still. And then put one foot on the pile of wood. वो स्टिल खड़ी थी फिर उसने लकड़ी के ढेर पर अपना एक पाँव रख दिया Stood, put, foot, wood. इनको अंडरलाइन करेंगे ये सिलेबल्स हैं Hungry monkeys were running up and down the trees. भूखे monkeys, भूखे बंदर दरख्तों पर ऊपर नीचे भाग रहे थे Monk, run. ये सिलेबल्स हैं Hung, monk. रन मंक और रन को आप अंडरलाइन करेंगे दे मस्ट बी लुकिंग फॉर हनी मनी वन सेड वो ज़रूर शहद या पैसा तलाश कर रहे थे वन सेड एक ने कहा हन मन इनको आप अंडरलाइन करेंगे हन मन वन ये सिलेबल्स हैं इनमें ओ की सेम साउंड आ रही है आई सा अ पुअर मैन हु फॉट हार्ड मैंने एक गरीब आदमी देखा जो कि बहादुरी से लड़ रहा था एंड देन कॉट हिज फुट इन द डोर और फिर उसका पाँव दरवाजे में आ गया फॉट कॉट ये सिलेबल्स हैं इनको आप अंडरलाइन करेंगे पुअर फॉट कॉट फुट डोर पुअर फुट डोर ये सिलेबल्स हैं इनको अंडरलाइन करेंगे फॉट और कॉट में सेम साउंड आ रही है ये भी सिलेबल्स हैं इनको अंडरलाइन करेंगे He taught me not to say any more. उसने मुझे मज़ीद कुछ ना कहना सिखाया Taught, taught को भी अंडरलाइन करेंगे ये भी सिलेबल है Fought, caught, taught. इनमें सेम साउंड आ रही है यू की
एक्सरसाइज टू, राइट द वर्ड्स विद द सेम वाउल साउंड इन योर एक्सरसाइज बुक. एग्जाम्पल, नर्स वर्सेस वर्स. अब हमने ये जो पोइम की रीडिंग की थी, इनमें से ऐसे वर्ड्स जिनमें सेम साउंड आ रही थी वाउल्स की, उनको देखें, ये हाईलाइट किया गया है. ये वाले वर्ड्स आपने यहाँ पर लिखने हैं इस एक्सरसाइज में, इस एग्जाम्पल के साथ. नर्स वर्सेस वर्स, ड्यू ब्लू ड्यू, फ्लावर्स टावर, आर्स पील, नीस नील मील, वुमेन बेल वेल, सेल रेड सेड, बेड रेड, लुक हुड स्टूड, पुट पुट वुड, हनी मनी, पॉट काट टाट. इन वर्ड्स को आप यहाँ पर लिखेंगे इन एग्जांपल के आगे. एक्सरसाइज 3, लिसन टू योर टीचर एंड कंप्लीट द पोइम. नाउ आई विल रीड अ पोइम, यू विल लिसन टू मी केयरफुली. हियर वी हैव अ शॉर्ट पोइम. वन फाइन डे इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक अच्छे दिन रात के दरमियान में, टू गुड बॉयज गॉट अप टू फाइट, दो अच्छे लड़के लड़ाई करने के लिए उठे. थ्री ब्लाइंड मैन टू सी फेयर प्ले, तीन अंधे आदमी उनका फेयर प्ले देखने के लिए आए. विथ 40 मिनट्स टू शाउट हुर्रे, और वो उनको 40 मिनट्स तक हुर्रे वहाँ पर चलाते रहे. बैक टू बैक दे फेस देयर ब्रदर, उन्होंने उनके भाई को फेस किया. टुक आउट देयर स्वॉर्ड्स एंड शूट ईच अदर, उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे को मार दिया. अ डफ पुलिसमैन हर्ड द नॉइस, एक डफ पुलिस मैन ने शोर सुना. रैन टू वेक द स्लीपिंग बॉयज, और वो सोए हुए लड़कों को जगाने के लिए भागा. एंड इफ़ यू डोंट बिलीव इट्स ट्रू, और अगर आपको यकीन नहीं है कि ये सच है, आस्क द ब्लाइंड मैन दे सा इट टू, ब्लाइंड मैन से अंधे आदमियों से पूछें, दे सा इट टू, उन्होंने भी इसको देखा है. नाउ यू विल कम्प्लीट दिस पोएम. वन फाइन डे इन द मिडल ऑफ द डैश, इन द मिडल ऑफ द नाइट, यू विल राइट हियर नाइट, इस ब्लैंक में आप नाइट लिखेंगे, NIGHT नाइट. टू गुड बॉयज गॉट अप टू फाइट, FIGHT फाइट. थ्री ब्लाइंड मैन टू सी फेयर प्ले, PLAY प्ले. विथ 40 मिनट्स टू शाउट हुर्रे, HOURRAY हुर्रे. बैक टू बैक दे फेस देयर ब्रदर, BROTHER, इस ब्लैंक में आप ब्रदर लिखेंगे. टुक आउट देयर स्वॉर्ड्स एंड शूट ईच अदर, OTHER अदर. अ डफ पुलिस मैन हर्ड द नॉइस, NOISE नॉइस. रैन टू वेक द स्लीपिंग बॉयज, BOYS बॉयज, यहाँ पर आप बॉयज लिखेंगे इस ब्लैंक में. एंड इफ यू डोंट बिलीव इट्स ट्रू, TRUE ट्रू. आस्क द ब्लाइंड मैन दे सा इट टू, TOO.